और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं देशों प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर। सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए केंद्र और राज्य की ज्वाइंट कमेटी बनाने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखा जाए रिकॉर्ड। गृह मंत्रालय की टीम ने काफिला रोकने वाली जगह पर तलब किए पंजाब के डीआईजी और एडीजीपी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में साजिशन चूक किए जाने पर सीएम मनोहर लाल समेत अन्य प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के साथ भेंट की। पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पीएम की सुरक्षा में चूक कर बोले सीएम, कहा पंजाब सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराना चाहिए। लोकतांत्रिक देश के मुखिया का विरोध किया गया है जो कि निंदनीय। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कर बोले गृहमंत्री अनिल विज, कहा सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। रोहतक में भाजपा के युवा मोर्चा ने पीएम की सुरक्षा में सेंध के विरोध में पंजाब के सीएम और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला भी फूंका। किसान आंदोलन से पंजाब के राजनीति में गए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पीएम के साथ हुई घटना नरेंद्र मोदी के प्रचार का तरीका, चुनाव में फायदा लेने के लिए मोदी अपनाते हैं ऐसे तरीके। बेरोजगारी पर विपक्ष के आरोप गलत, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर गलत आंकड़े पेश करके राजनीति करने का लगाया आरोप। बोले हरियाणा में सिर्फ 6.1% बेरोजगारी दर, 134 ए के तहत स्कूल फीस में सरकार की तरफ से 200 रुपए देने की घोषणा। तीसरी लहर के बीच में जनता की बड़ी लापरवाही, रेड जोन वाले जिलों में टूट रहे नियम। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में पुलिस ने बरती सख्ती, कैथल के सरकारी अस्पताल में उमड़ी भारी भीड़। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 117,100 नए केस सामने आए, एक दिन में 302 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 15,097 नए केस हैं, एक दिन में 6 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,265 नए केस सामने आए हैं, एक दिन में 13 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,678 नए केस हैं, एक मरीज की मौत हुई है, एक दिन में 801 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,447 नए मामले सामने आए हैं, एक्टिव केस 4,220 हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेक कर सभी लोगों के स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना से बचाव करें प्रदेशवासी। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया औचक निरीक्षण। विज ने अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से की मुलाकात, अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सोनीपत में स्कूलों में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप, स्कूलों में 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। स्कूल बंद होने के बाद वैक्सीनेशन के लिए बुलाए गए बच्चे। झज्जर पुलिस की कार्यशैली से नाराज दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलने पर पुलिस कुछ दुकानदारों को साथ ले गई। इसके विरोध में दुकानदार जिला उपायुक्त कैंपस कार्यालय पहुंचे, नाराजगी जताई। गोलाचीका में बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया है। रैन बसेरे में ओमिक्रॉन और कोरोना को देखते हुए साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार के 27% ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी। ऑल इंडिया कोटा की 27% सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा। सोनीपत में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने निजी स्कूलों का सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 134 ए के तहत स्कूलों में एडमिशन नहीं देने को लेकर सरकार का दबाव बना हुआ है। यमुनानगर पुलिस कस्टडी में रखा यूरिया खाद चोरी सील, 1,187 कट्टे यूरिया की चोरी होने से पुलिस और कृषि अधिकारियों पर उठे सवाल। अधिकारियों से मिली भगत करके जिले में की जा रही है खाद की ब्लैक मार्केटिंग। सोना के नागरिक अस्पताल में विजिलेंस की छापेमारी से हड़कंप, करीब 40 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई। अस्पताल डायरेक्टर पर 80 किलोवाट लोड जलाने का आरोप, विजिलेंस ने मीटर सील करके जांच के लिए भेजा लैब। कैथल में धोखाधड़ी के मामले में बैंक मैनेजर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। डीएसपी ने बताया फर्जी दस्तावेज तैयार करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के मामले में इकोनॉमिक सेल ने किया गिरफ्तार। भिवानी में क्राउन प्लाजा पर पुलिस ने की रेड, मसाज सेंटर पर कुछ महिलाएं और युवकों को धर दबोचा। आपत्तिजनक हालत में मिले कई जोड़े, जिले में 3 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने की रेड। रोहतक शहर में झज्जर रोड पर जलघर के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।